गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दी ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय योर स्कूल। माय डियर स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग द इंग्लिश चैप्टर द सुनामी। हमने सुनामी में किस प्रकार से लोगों ने जान गंवाई, 2004 में जो सुनामी आई थी, भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह और तमिलनाडु के तट पर भी ये टकराई थी, काफ़ी प्रभाव पड़ा था और लगभग 1.5 लाख लोगों की, पूरे 12 देशों में लगभग 1.5 लाख लोगों की जाने गई थी सुनामी में। किस प्रकार लोग बह गए थे, डूब गए थे लहरों में, इतनी ऊंची लहरें आई थी। और सुनामी का कारण भी आपने पढ़ा कि समुद्र के अंदर जब कोई भूकंप आता है तब सुनामी पैदा होती है। अब हम तीसरा इसका पाठ पढ़ रहे हैं। लुक केयरफुली एट द पिक्चर ऑफ द बॉय एंड हिज डॉग। ध्यान से देखिए, एक बच्चा है, एक बच्चे की तस्वीर है और उसकी गोद में एक कुत्ता बैठा है। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी। और इस चित्र को देखकर डिस्क्राइब कीजिए, जो जो चीज़ें आप देख रहे हैं इस चित्र में, उसको डिस्क्राइब कीजिए कि किस प्रकार यहाँ सब कुछ उजड़ चुका है, सब कुछ तबाह हो चुका है, पेड़ पौधे सब उखड़ चुके हैं, मकान सब बह चुके हैं। तो इन चीज़ों को देख करके ट्राई टू डिस्क्राइब द थिंग्स दैट यू सी यूजिंग जस्ट वर्ड्स एंड फ्रेज। केवल आपने पूरा नहीं लिखना है, केवल आपने शब्द और शब्दांश लिखने हैं। फ्रेजेज होते हैं शब्दांश, शब्दों का समूह। बस आपने एक एक दो दो शब्द लिखने हैं इस चित्र को देखकर। आइदर द टीचर और वन ऑफ द स्टूडेंट्स कैन राइट डाउन द वर्ड्स एंड फ्रेजेज ऑन द ब्लैक बोर्ड। तो बच्चे बोलेंगे और फिर जो शब्द या शब्दांश बच्चे बोलेंगे उसको टीचर या कोई एक स्टूडेंट बोर्ड पर लिखता रहेगा। जैसे हम दिस इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट, आप ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे बोल सकते हैं, काम ब्लू सी। किसी ने कहा चित्र को देखकर, शांत नीला समुंदर। रोइंड हट्स, किसी ने देखा और देखा कि झोपड़ियाँ टूटी हुई हैं, तो बोल सकते हैं रोइंड हट्स, मतलब बर्बाद झोपड़ियाँ, ऐसे आप लिख सकते हैं। बिफोर द जाइंट वेव स्लैम्ड, स्लैम्ड मीन धड़ाम से टकराना, इससे पहले कि ये जाइंट मीन बड़ी बड़ी विशालकाय लहरें धड़ाम से टकराई, इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया और श्रीलंका के समुद्री तटों पर, जब ये ऊंची ऊंची लहरें धड़ाम से टकराई, उससे पहले ही वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो दैट वट वॉज अबाउट टू हैपन। जंगली, वाइल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल्स और जो पालतू पशु थे, घरेलू पशु, सीम्ड टू नो, ऐसा लग रहा था कि उनको पता चल गया था, वट वॉज अबाउट टू हैपन, कि क्या होने वाला है। जब ये भयंकर लहरें इंडिया और श्रीलंका के समुद्र तटों पर टकराई, तो ऐसा लगता है कि पहले ही जंगली जानवरों और पालतू जानवरों को आभास हो गया था कि क्या होने वाला है। दे फ्लैड टू सेफ्टी, वे भाग गए थे टू सेफ्टी, सुरक्षित स्थानों पर, वे सुरक्षा के लिए भाग गए थे। फ्लैड, फ्लैड मीन भाग जाना। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, आई विटनेस क्या होता है, आँखों देखा, जो गवाह होते हैं, साक्षी होते हैं, अकाउंट्स, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस अकाउंट्स, आँखों देखा हाल बताने वालों के अनुसार, या इस घटना के साक्षी लोगों के विवरणों के अनुसार, अकाउंट्स मीन विवरण, उन्होंने बताया, जिन लोगों ने खुद इस भयंकर सुनामी को अपनी आँखों से देखा और किसी तरह वो बच गए, उन्होंने बताया, एलिफेंट स्क्रीम्ड, कि हाथी चिंघाड़ने लगे थे, एंड रैन, और भागने लगे थे, फॉर हायर ग्राउंड्स, ऊँचे स्थानों पर, ऊँचे जो स्थान थे, छोटी छोटी पहाड़ियाँ थी, उन पर भागने लगे थे। डॉग्स रिफ्यूज टू गो आउटडोर्स, कुत्तों ने घर से बाहर जाने से मना कर दिया था, रिफ्यूज्ड, मना करना, आउटडोर्स, घर से बाहर जाने से। फ्लेमिंगोज, राजहंस पक्षियों ने अबंडन, छोड़ दिया था, अबंडन होते त्यागना, देयर लो लेइंग ब्रीडिंग एरियाज, अपने निचले इलाके जहाँ पर वो ब्रीडिंग करते हैं, जहाँ पर वो अंडे देते हैं, उन इलाकों को छोड़ दिया था। एंड जू एनिमल्स रश्ड इनटू देयर शेल्टर्स, और चिड़ियाघर, जू, चिड़ियाघर के जानवर भाग गए थे, रस, इनटू देयर शेल्टर्स, अपने अपने आश्रयों में चले गए थे, जो उनका आश्रय होता है,
आश्रय स्थल अपने अपने बाड़ों में जा घुसे थे एंड कुड नॉट बी एंटीस्ड, और उनको फुसलाया भी नहीं गया। एंटिस होता है बहलाना फुसलाना, और उनको बहलाया फुसलाया नहीं जा सका टू कम बैक आउट, बाहर निकालने के लिए। खूब उनको बोला गया, चिड़ियाघर के जानवरों को बहलाया गया फुसलाया गया कि वो अपने बाड़ों से बाहर निकले, लेकिन कोई जानवर बाहर नहीं आया। मैनी पीपल बिलीव दैट एनिमल्स पोजेस, बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि जानवरों के पास होती है, पोजेस मीन पास होना, ए सिक्स सेंस, एक छठी इंद्री होती है। हमारे पास इंसानों में 5 इंद्रियाँ होती हैं, और बहुत से लोग मानते हैं कि जानवरों में 6 इंद्रियाँ होती हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज़ गोइंग टू शेक, और उनको पता होता है कि धरती कब कांपने वाली है, भूकंप कब आने वाला है, शेक मीन कांपना। सम एक्सपर्ट्स बिलीव, कुछ एक्सपर्ट्स तो ये मानते हैं दैट एनिमल्स मोर एक्यूरेट हीरिंग, कि जानवरों की जो हीरिंग पावर है वो ज़्यादा एक्यूरेट होती है, सही होती है, सुनने की क्षमता हेल्प्स देम, और वो सुनने की क्षमता उनकी मदद करती है टू हीयर, सुनने में, और फील या महसूस करने में द अर्थ्स वाइब्रेशन, पृथ्वी के कंपन को सुनने और महसूस करने में उनकी ये जो सुनने की क्षमता बड़ी मदद करती है। दे कैन सेंस एन अप्रोचिंग डिजास्टर, जानवर सेंस भांप लेते हैं अप्रोचिंग आने वाले डिजास्टर मीन विपत्ति को, आने वाली विपत्ति को पहले से ही लॉन्ग बिफोर बहुत पहले ही भांप लेते हैं। ह्यूमंस रियलाइज व्हाट इज़ गोइंग ऑन, जब इंसानों को पता चलता है कि क्या हो रहा है, जिस समय इंसानों को रियलाइज आभास होता है व्हाट इज़ गोइंग ऑन कि क्या होने वाला है, उसे काफ़ी पहले ही जानवर भांप लेते हैं। उनमें एक ऐसी सेंस होती है कि क्या डिजास्टर आने वाला है, क्या विपत्ति आने वाली है। वी कैन नॉट बी श्योर वेदर एनिमल्स हैव ए सिक्स्थ सेंस और नॉट, हम इस बात पर तो पूरा श्योर नहीं है, हमें इस बात का तो पूरा यकीन नहीं है कि जानवरों में छठी सेंस होती है या नहीं होती है, छठी इंद्री होती है या नहीं होती है। बट द फैक्ट इज़ दैट द जायंट वेव्स दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन, लेकिन फैक्ट ये है दैट द जायंट वेव्स, कि उन विशाल लहरों ने, दैट रोल्ड थ्रू द इंडियन ओशियन, जो समुद्र हिंद महासागर के तट पर टकराई थी, किल्ड मोर देन 150 लाख पीपल इन ए डजन कंट्रीज, दर्जनों भर देशों के 1.5 लाख के करीब लोग मारे गए थे। जो लहर हिंद महासागर में, इंडियन ओशियन में आई थी, उस हिंद महासागर की सुनामी ने लगभग 1.5 लाख लोगों को मार दिया था। बट नॉट मैनी एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड डेड, लेकिन ज़्यादा जानवरों के मरने की सूचना नहीं है। लेकिन जानवर कम मरे, इंसान 1.5 लाख मर गए, जानवर बिल्कुल ना के बराबर मरे, तो इससे क्या जाहिर होता है कि जानवरों में छठी इंद्री होती है जो आने वाली विपत्ति को पहले से ही भांप लेते हैं, पृथ्वी के जो भूकंप है, कंपन है, उसको अंदाज़ा लगा लेते हैं। अलोंग इंडियाज कडलोर कोस्ट, इंडिया की जो कडलोर तट है, केवल वहीं वहीं, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल पेरिस्ड, जहाँ पर हजारों लोग मारे गए, बफेलोज गोट्स एंड डॉग्स वर फाउंड अनहार्म्ड, लेकिन वहाँ पर भैंस बकरियाँ और कुत्तों को कोई नुकसान नहीं हुआ। दी याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज होम, श्रीलंका में एक याला नेशनल पार्क है, चिड़ियाघर है, इज़ दी होम टू ए वैरायटी ऑफ एनिमल्स, जिसमें भिन्न भिन्न किस्म के जानवरों की वैरायटियाँ मिलती हैं, इंक्लूडिंग एलिफेंट्स लियोपार्ड्स, जिसमें हाथी हैं और तेंदुए हैं, एंड 130 स्पाइसीज ऑफ बर्ड्स, और यहाँ पर लगभग 130 प्रकार के पक्षियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। कहाँ? तो श्रीलंका के याला नेशनल पार्क में अनेक जानवरों की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि हाथी हैं वहाँ, तेंदुए हैं, और 130 किस्म के भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी वहाँ पाए जाते हैं। 60 विजिटर्स वर वास्ड अवे, वास्ड अवे मीन बह जाना, 60 पर्यटक बह गए, विजिटर्स कौन होते हैं, जो वहाँ घूमने आते हैं, विजिट करने आते हैं, 60 पर्यटक बह गए फ्रॉम दी पतांगला बीच, श्रीलंका का जो पतांगला बीच है, तट है, वहाँ से 60 लोग बह गए इनसाइड दी पार्क, और ये बीच पार्क के नज़दीक है,
जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका का, वहाँ काफ़ी लोग घूमने गए हुए थे। बड़ी सी सेंचुरी है ये, और जब ये लहरें आई, सुनामी आई, तो ये पार्क के दूर तक अंदर घुस गई और लगभग 60 पर्यटक बह गए। बट नो एनिमल कारकसिस, कारकस क्या होता है, कारकस होती है डेड बॉडी, लेकिन किसी भी जानवर की डेड बॉडी वर फाउंड नहीं मिली। नो एनिमल, किसी भी जानवर की कारकस डेड बॉडी वर नॉट फाउंड, वहाँ पर नहीं मिली, आदमी इतने बह गए। एक्सेप्ट फॉर टू, एक्सेप्ट मीन सिवाय, फॉर टू वाटर बेफेलोस, केवल दो जो जंगली भैंसे हैं उनकी बॉडी मिली वहाँ पर। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, जब सुनामी यहाँ आई, सुनामी तट पर टकराई, श्रीलंका के तट पर सुनामी के आने से 1 घंटा पहले, अबाउट एन आवर बिफोर, लगभग 1 घंटा पहले, पीपल एट याला नेशनल पार्क, याला नेशनल पार्क के लोगों ने हैड ऑब्जर्व, 1 घंटे पहले देख लिया था। ऑब्जर्व मीन देखना, ध्यान करना, समझना। 3 एलिफेंट्स, उन्होंने देखा था कि 3 हाथी रनिंग अवे, दूर भाग रहे थे फ्रॉम दी पतंगला बीच, पतंगला का जो तट है वहाँ से 3 हाथी भागते हुए दिखाई दिए थे, दूर भागते हुए, समुद्र से दूर भागते हुए। ए श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन दी कोस्ट नियर गैले, श्रीलंका का एक जेंटलमैन, भद्र पुरुष, भला आदमी, हु लिव्स ऑन दी कोस्ट, जो तट के नियर गैले, गैले तट के पास ही रहता है, श्रीलंका का एक इंसान, एक आदमी जो तट के पास रहता रहता है, शायद उसने हमें बताया, हिज टू डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन दी बीच, कि उस दिन उसके दो दो कुत्ते थे उसके पास, वुड नॉट गो, वो नहीं गए फॉर देयर डेली, अपने रोजाना की रन ऑन दी बीच, तट पर दौड़ने ले जाता था वो कुत्तों को रोजाना सुबह सुबह, लेकिन उस दिन वे दोनों कुत्ते मना कर गए, नहीं गए। दे आर यूजुअली एग्जाइटेड, यूजुअली मीन आमतौर पर, आमतौर पर ये कुत्ते बड़े उतावले रहते थे, एग्जाइटेड उतावले, टू गो जाने के बड़े उतावले होते थे, ऑन दिस आउटिंग, बाहर घूमने के लिए, आउटिंग मीन बाहर, बाहर जाने को, और दिन कुत्ते बड़े उतावले रहते थे, लेकिन उस दिन नहीं गए, ही सैड, उसने कहा। बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो, लेकिन ऑन दैट डे, उस दिन, दे रिफ्यूज, कुत्तों ने मना कर दिया, टू गो जाने से मना कर दिया, एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ, एंड मोस्ट, और सबसे अधिक, प्रोबेबली, संभवतः, संभवतः इसी वजह से सेव्ड हिज लाइफ, मेरी जान बच गई, उसने कहा कि कुत्तों को घुमाने में नहीं लेकर गया, कुत्ते गए नहीं, मैं भी नहीं गया, इसी वजह से शायद मेरी जान बच गई। तो ये था आपका चैप्टर सुनामी, और आपने देखा कि सुनामी ने कितनी तबाही मचाई थी, जब ये लगभग 12 देश इससे प्रभावित हुए थे, और ये दिसंबर 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। और सुनामी का मतलब क्या होता है, ऊंची ऊंची लहरें समुद्र में उठ जाती हैं, और ये लहरें क्यों उठती हैं, जब समुद्र के अंदर कोई भूकंप आता है या कोई अन्य गतिविधि होती है, जिस उसकी वजह से समुद्र में उथल पुथल मच जाती है, और बड़ी ऊंची ऊंची लहरें बड़ी स्पीड से समुद्र तट की तरफ भागती हैं, और जो भी इन लहरों के सामने आता है उसको तबाह कर देती हैं। तो लगभग 1.5 लाख के आसपास लोग इस सुनामी में दुनिया भर से मरे थे। तो हमने ये चैप्टर पढ़ा, और आपको मालूम भी पड़ा कि सुनामी क्यों आती है, और सुनामी से कैसे हम अपने आप को बचा सकते हैं, और सुनामी कितनी तबाही करती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके बेटे, बाय।